अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे टी शर्ट। टी शर्ट बेसिक आइटम है, किसी भी गारमेंट्स में रेगुलर आइटम है। टी शर्ट बनाना सीख लिया तो समझ लिया आपने 50% पैटर्न को सीख लिया। तो मुतालिक इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि किसी भी गारमेंट्स की बेसिक ब्लॉक जिसे हम बोलते हैं, बेसिक बॉडीज जिसे बोलते हैं, वो टी शर्ट ही होती है। अंदर पैनल होते हैं और कुछ डिज़ाइन होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन बेसिक जो आर्म होल, चेस्ट, लेंथ, स्लीव, नेक, शोल्डर, वो सब गारमेंट्स की सेम ही है, बस मेजरमेंट में फ़र्क होता है। तो इस वजह से सबसे पहले हम टी शर्ट से शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप सब ने सॉफ्टवेयर की इंटरफेस को सेट कर लिया होगा, जो वीडियो मैंने पहले शेयर कर दी हुई है। तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। आप सबके पास ये इंटरफेस इस तरह खुल रहा होगा, उम्मीद है आप लोगों ने इसकी सेटिंग भी कर ली होगी। जैसे मैंने आपको बताई थी, वीडियो शेयर कर दी थी कि इंटरफेस को सेटिंग कैसे करना है और टूल्स वगैरह की प्रेफरेंस की ऑप्शन वगैरह कैसे सेट करनी है, ताकि आपको परेशानी ना हो काम करने में। यानी अपर पोर्शन बनाने के लिए शर्ट, हुडी, कुछ भी आइटम हो जो अपर पोर्शन होता है बॉडी का, शर्ट से रिलेटेड जो चीज़ होती है, उसका हम देखेंगे कि उसकी लेंथ क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले लेंथ है ये, इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास ये लेंथ आ रही है 72 सेंटीमीटर। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर पर जाना है और यहाँ नीचे ये चेक कर लेना है आपके पास इंचीज में है या सेंटीमीटर में है। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, प्रेफरेंस में जाएंगे और सबसे पहले जो मेन है, मेन को ओपन करेंगे, वर्किंग यूनिट कि किस यूनिट में हमने काम करना है। तो यहां जब हम इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे तो हमारे पास ये सेंटीमीटर होगा, इसी तरह इंचीज है, इसी तरह मुख्तलिफ है। तो सेंटीमीटर हम रखेंगे क्योंकि हमारे पास साइज चार्ट इस पर सेंटीमीटर का है, हम इसको ओके कर देंगे। अब आप जब देखेंगे यहाँ नीचे ये सीएम आ गया है सेंटीमीटर, अब हम सेंटीमीटर में काम करने लगे। तो ये चीज़ आपने सबसे पहले अपने सॉफ्टवेयर को सेट कर लेना है, हम किस इकाई में काम, सेंटीमीटर में, इंचीज में या किसी और चीज़ में। मोस्टली हम सेंटीमीटर और इंचीज में काम करते हैं। तो हमारे पास इस वक्त जो लेंथ है वो 72 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करें, क्या सीधी लाइन 72 सेंटीमीटर के लगाएं, क्या करें? उसके लिए जरूरी है हमारे पास विड्थ भी हो, हमें एक ब्लॉक चाहिए चौड़ा। तो 72 सेंटीमीटर लंबा हमारे पास एक ब्लॉक तो हमें पता लग गया, ठीक। अब हम इसकी देखेंगे चेस्ट, चेस्ट है 53, वेस्ट है 52 और हेम है हमारे पास 53। अब याद रखिएगा किसी भी साइज चार्ट को आपने रीड जब करना है तो उसमें देख लेना है कि सबसे ज्यादा किस चीज की मेजरमेंट है, चौड़ाई में ज्यादा वहां फायदा देगा जहां पेंट ट्रोजर वगैरह बनाएंगे। तो सबसे ज्यादा चौड़ा क्या है हमारे पास, चेस्ट और हेम है। तो हम चेस्ट को ले लेंगे यहां पर 53 और 72, ठीक। लंबाई 72 और 53 हमारे पास आ गई चेस्ट। अब जब भी हम कोई गारमेंट्स बनाते हैं अपर पोर्शन,
तो हम हमेशा आधा बनाते हैं। इस साइज चार्ट में जो हमें 53 सेंटीमीटर दी गई है मेयरमेंट, वो एक पूरी शर्ट की है, यानी कि यहां से लेके यहां पूरे फ्रंट पैनल की है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें पीस बनाना है आधा। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट वन, हमारे पास इसी सॉफ्टवेयर के अंदर एक कैलकुलेटर है जो शिफ्ट वन से ओपन होता है। इस तरह ओपन करना चाहे चाहे यहां आ जाए, ये यहां है, ये कैलकुलेटर का निशान बना हुआ है, चाहे यहां से ओपन कर ले या शिफ्ट वन दबाएंगे तो ये आ जाएगा। ये हमने इसका कैलकुलेटर खोल लिया, हमने किया 53 डिवाइडेड बाय 2, 26.5, 26.5। अब हमें क्या करना है कि राइट क्लिक करना है स्क्रीन के ऊपर, जो वर्किंग एरिया है ये ब्लैक वाला, या आपके पास किसी कलर और कलर में भी आ सकता है, अगर आपने सेटिंग की है तो आपके पास ब्लैक ही आएगा, अगर नहीं की तो किसी और कलर में भी आ सकता है। राइट क्लिक करना है, क्रिएट रेक्ट एंगुलर पीस, ये हम इसको लिख देते हैं बेस, इस पीस का नाम लिख देते हैं बेस। लेंथ क्या थी, 2 सेंटीमीटर, विड्थ क्या थी, 26.5, ऐसा ही है। ये हमारे पास एक पीस आ गया है, ये पीस इस तरह पड़ा हुआ है कि 72 सेंटीमीटर लेंथ यू है और चौड़ाई 26.5 यू है। अब मैं जो काम करता हूं, मैं इसको हमेशा रोटेट कर लेता हूं पीस को, रोटेशन पास ये है क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पीस को रोटेट करना, कोई भी हम पीस बनाएंगे उसको रोटेट करना चाहे तो यहां इसकी शॉर्टकट की इसके साथ ही लिखी हुई है। ये इसकी शॉर्टकट की है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये आपके कीबोर्ड पे आपको नजर आ जाएगी। मैं ब्रैकेट से ही मोस्टली इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं इस वक्त जो है ना ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा इस पीस को सिलेक्ट करके, यूं इस पीस को मैंने सीधा कर दिया ताकि लेंथ मुझे स्ट्रेट पीस बना के मैं बनाता हूँ। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से यानी कि यूं रख के फिर बनाते हैं पीस, मैं पीस को सीधा रख के हमेशा बनाता हूँ। तो ये आपकी मर्जी है, जिस तरह मर्जी आप बना ले, ये आप वैसे चेक करेंगे नेट से भी तो आपको नजर आएगा कि कुछ लोग दूसरे तरीके से रख के बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये बना लिया कि चौड़ाई बना ली आधी शर्ट की, आधी की यानी एक बैक है एक फ्रंट है, और फ्रंट क्या हमने या बैक का हमने चेस्ट ली और उसको आधा कर लिया। अब ये हमारे पास आधा है, इसके बाद हमें क्या करना है, अगली मेजरमेंट्स देखनी है कि क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अब हमारे पास चेस्ट हो गई, वेस्ट जो है ये है, वेस्ट वो कह रहा है 41 सेंटीमीटर, डाउन फ्रॉम 52 सेंटीमीटर, यानी ये कर्व हमें वेस्ट में देना पड़ेगा, ये हम बाद में देंगे। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं शोल्डर, शोल्डर है 44, 44 का हाफ क्या होगा, 22, ठीक, यानी पूरी की पूरी शर्ट का फोर्टी फोर शोल्डर है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह करते हैं कि इसको मिरर कर लेते हैं। अब मिरर करने के लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन है एच की, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं दोबारा, ये
ये आइकन जो है हमारे पास, ये मिरर का आइकन है, ये इसको कहते हैं हाफ पीस लाइन या सेट मिरर लाइन। तो सबसे पहले हम जो है ना इसको मिरर कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। वैसे तो नॉर्मली हम इसी तरह बनाते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने एच प्रेस किया तो ये आइकन आपके सामने चेंज हो गया। दोबारा करते हैं, एच प्रेस किया और ये आइकन के साथ और ये बार के साथ मेरा कर्सर का पॉइंट भी चेंज हो जाएगा, एच और ये। यहाँ से मैं इसको ये सिलेक्ट करता हूँ, ये आधा पीस अब पूरा हो गया, यानी ये पूरी। ये हमारे पास मेजरमेंट टूल है, अगर मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक करता हूँ तो कितना आ रहा है, 52.97 यानी 53 सेंटीमीटर के करीब, ये 53, ठीक, ये टोटली 53 है। क्लिक करने में किसी जगह पर इश्यू आ रहा है तो, नहीं तो ये पूरा ही आएगा 53, ये 53 पूरा आएगा, क्योंकि ये मिरर हुआ हुआ है तो खुद ब खुद स्नैप नहीं करता, तो इस वजह से पता, ये पूरा 53 हमारे पास आ गया। अब सबसे पहले हम जो इसके शोल्डर पॉइंट है वो करेंगे, वो हमने देखा था तो 44 था, इसका मतलब 22, तो हम लेंगे ओ प्रेस करेंगे, ओ, ये ओ प्रेस करेंगे। अगर आप ओ नहीं प्रेस करना चाहते, आप देखना चाहते हैं क्या है, तो ये है यहाँ पर, यहाँ ओ है एड पॉइंट ऑन कंटोर। अगर हमने किसी जगह पर भी कोई पॉइंट लगाना हो तो हम ओ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंटोर के ऊपर, यानी लाइन के ऊपर कोई सा भी हमने पॉइंट लगाना हो किसी भी मेजरमेंट का, तो हम ओ इस्तेमाल करते हैं। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जितने भी आपको टूल नजर आ रहे हैं, आपने इनको देख के परेशान नहीं होना, ये सारे हमारे दोस्त हैं, ये कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी जगह हेल्प करेंगे, तो इनके जू जू हम इस्तेमाल करेंगे, बस आपने वैसे वैसे ही करता जाना है और आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक टूल की समझ आती जाएगी, बजाय इसके कि मैं आपको एक एक टूल के बारे में समझाऊं, बताऊं ये क्या करता है, किस तरह करता है, उसका फायदा नहीं होगा। हम इनको काम के अंदर लेके आएंगे ताकि वो जो काम हो रहा है तो वो हमें समझ आती है, इससे ये भी काम हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो बेहतर ये है। इसलिए पहले मैं ये चाह रहा था कि पहले मैं आपको सारी टूल समझा दूं, लेकिन मैंने कहा उसको फायदा नहीं होगा, वो खिचड़ी पक जाएगी आपके पास, क्योंकि जब आपने काम करना है वो जहन में नहीं रहना। तो बजाय इसके कि आप हर टूल को इस्तेमाल करते जाए इस्तेमाल करते जाए, तो जिस तरह गाड़ी चलाने की तरह होता है, उसी तरह आपको एक उसमें अपने आप ये सारी चीजें बैठ जाएंगी, तो अपने आप इसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने अभी पॉइंट लगाना है तो मैंने ओ प्रेस कर दिया, पॉइंट किस चीज का, शोल्डर पॉइंट। ये जो शोल्डर पॉइंट है ये 44 है, टोटल शोल्डर है, यानी यहां से लेके यहां तक जो शोल्डर है वो 44 है, तो मैं मिड पॉइंट मेरा ये है, इसके करीब रख के ये प्रेस करूंगा, मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। इसको मैं करूंगा टाइप, क्या है, कर्व बनाना है या ग्रेड करना है, मैं ग्रेड करना है, ग्रेड कितना करना है, ये 22, ये देखो पॉइंट यहां पर आ गया, पहले यहां पर था, फर्ज करें इसको मैं करता हूं 10 10, तो ये इधर 10 पे आ गया, मैं बोलूंगा 22 सेंटीमीटर, तो ये 22 सेंटीमीटर पे इसने निशान लगा दिया, यानी शोल्डर का एंड जो किधर हो रहा है, नेक से लेके, यानी मिड नेक से लेके एंड तक 22, इसको मैं कर, तो अभी हमने इसका निशान लगा लिया है शोल्डर का।
ऐसा करता हूँ, इसको पॉइंट को नाम भी दे देता हूँ। ठीक, ये हमें शो करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आपके लिए मैंने शो कर दिया ताकि आपको पता हो कि कौन सा निशान किस जगह पर आ रहा है। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट रेट। ये हमारी बैक नेक विड्थ, स्ट्रेट 20, 22, ये 20 है। तो इसका मतलब हाफ, इसका जो है आधा जो है वो 10 होगा। हम दोबारा करेंगे, पॉइंट ग्रेड पे रखेंगे और इसको कर देंगे 10। ये हमारी नेक्स्ट स्ट्रेट आ गई। अब हमें जो अगली है वो है कि नेक का पॉइंट ये है और ये शोल्डर, शोल्डर कितना हमें डाउन करना है। ये हमने शोल्डर -3.5 डाउन कर दिया। मीडियम साइज है तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हम इसको। ये हमारा शोल्डर डाउन आ गया, यहां से कितना डाउन है, यहां से चेक अगर हम करेंगे 3 सेंटीमीटर, हमने 3 सेंटीमीटर शोल्डर डाउन कर दिया। अभी हमें आपको पॉइंट्स का समझा दूं, हमारे पास जो ये आपको मैं समझाने लगूँ सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है ताकि आपको समझ आ जाए। इस फिगर को जेन में रखें, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो ये काम कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। मिसाल के तौर पे मैं अगर मेजरमेंट लेने लगा हूँ, यहाँ से ये टूल है, यहाँ से यहाँ मैंने मेजर किया है तो ये मुझे बता रहा है 41 डिस्टेंस, लेंथ 41.0। अब देखें, अब मैं इसको उल्टा करने लगा हूँ मेजरमेंट,
डिस्टेंस उसने स्ट्रेट सेम बताया, ये डिस्टेंस है, ये स्ट्रेट बता रहा है, ठीक है। लेंथ लेकिन उसने 134 बता दी है, ठीक। अब 134 क्या है लेंथ? ये लेंथ तीन हिस्सों की टोटल लेंथ, याद रखिएगा। ये सॉफ्टवेयर है, ये क्लॉकवाइज चलता है मेजरमेंट्स में, ठीक है, और पॉइंट्स में भी। अब पॉइंट्स में किस तरह चलता है ये मैं आपको बता देता हूं। फर्ज करें मैं यहां पॉइंट लगाना चाहता हूं इस जगह पर, ये मेरे पास कोई जगह है और मैं 1 इंच का पॉइंट लगाना चाहता हूं या 5 सेंटीमीटर का निशान लगाना चाहता हूं। 5 सेंटीमीटर, अब देखते जाएं, ये 5 सेंटीमीटर मैं यहां करूंगा तो ये इस तरह आगे को चल रहा है, यानी कि यू गोल में, गुलाई में, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक। फर्ज करें अगर मैं इधर इस पॉइंट के पीछे निशान लगाना चाहता हूं तो इधर मैं 5 करूंगा, ठीक, तो ये 5 दूसरी तरफ चले जाएगा, निशान इधर नहीं आएगा। ये क्लॉकवाइज है, यानी क्लॉकवाइज 5 सेंटी इधर निशान, और एंटी क्लॉकवाइज ये 5 यहां से, इस पॉइंट से लाइन सेम है, इस लाइन के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, 5 ये और 5 इधर। तो अगर आप जब गार्मेंट्स बना रहे हो तो जैसे कि हम इस शर्ट को बना रहे हैं, तो अगर मैं इधर 10 का निशान लगा रहा हूं, इसको दोबारा हम सारे को सीधा कर देते हैं, अभी मुझे पॉइंट चाहिए शोल्डर का, शोल्डर का, ठीक। अब मैंने मिड से उसका लेना है क्योंकि मेरे पास शर्ट मैंने पूरी की पूरी बना रहा हूं मिरर करके, तो पॉइंट कहूंगा तो 22 यहां से चलेगा, यानी प्रीवियस पॉइंट से, ये लिखा हुआ है प्रीवियस, प्रीवियस पॉइंट से कितना दूर? 22 सेंटीमीटर दूर। और नेक्स्ट पॉइंट से कितना दूर? 4.52, ठीक है, ओके किया, 22 मेरे पास आ गया, ठीक। इसी तरह मैं नेक का देना है, तो प्रीवियस पॉइंट से मेरे पास 10 नेक जोड़ी है, 2 पॉइंट आ गए। अब इस सारे को नीचे कैसे लेके आना है? हमारे पास मूव पॉइंट होता है, ये M, ठीक। अगर हम सिंगल पॉइंट को नीचे लेके आना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर सिर्फ इस पॉइंट को नीचे लेके आना चाहते हैं, तो हम M दबाएंगे और ये आ जाएगा, ठीक। अगर हम मल्टीपल पॉइंट को लेके आना चाहते हैं तो Q दबाएंगे, M और Q, ये बार बार इस्तेमाल होगा आपके पास। तो मैं मल्टीपल पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, मल्टीपल्स पॉइंट U सेलेक्ट किए, ठीक, कहीं से भी रख के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह रख के सेलेक्ट कर लें, ठीक है। बस आपने जो पॉइंट्स सेलेक्ट करने हैं, तो आपके पास ये बॉक्स आ रहा है सामने, ये सारा बन रहा है, तो ऐसे करूंगा तो ये सारे पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे, ये सारे पॉइंट सेलेक्ट हो नजर आ रहे हैं। इसको सेलेक्ट किया मैंने 2 पॉइंट्स को, क्योंकि हमारे पास शोल्डर ये इजाफी पैनल है हमारे पास, तो हम इसको पकड़ के यहां, अब ये देखें आ गया है एक्सिस एक्स, ठीक है, और ये वाई, ठीक। अब मैं आपको इधर से समझाता हूं, ये हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये भी प्लस है,
जो भी हमारे पास वैल्यू इस तरफ को आएगी, वो जो भी वैल्यू हम राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं, मसलन इस पॉइंट को हम अगर हम इस तरफ को खिसकाना चाहते हैं, तो मैं जब इस तरफ को करूंगा तो इधर किसी किस्म का माइनस नहीं लिखा हुआ, ठीक है? ये 10 करूंगा तो ये और 0, यानी सीधी लाइन में जाए तो ये इस तरफ आ गया। अगर मैं इसी पॉइंट को पकड़ के पीछे ले आ तो ये माइनस का आ रहा है निशान, इसके ऊपर माइनस का निशान आ रहा है, ये माइनस का निशान साथ में आ रहा है। अगर वैल्यू प्लस में है तो इस तरफ को जाएगी, एक्सिस में, एक्स में जब वैल्यू डालेंगे, प्लस में है तो इस तरफ को जाएगी, माइनस में है तो इस तरफ को आएगी। वाई में अगर प्लस में वैल्यू है तो ऊपर को जाएगी और माइनस में वैल्यू है तो नीचे को जाएगी। ठीक इसी तरह अब हमें चाहिए शोल्डर, हमने डाउन करना है। इन पॉइंट को सेलेक्ट किया और नीचे को रख के मैंने क्लिक किया दोबारा, तो कितना डाउन करना है? मैं तो चाह रहा हूं -3। यहां वाई की वैल्यू में मैंने -3 कर दिया तो ये अब नीचे को जाएगा। अगर इधर मैं 3 माइनस के बगैर 3 लिखूंगा तो ये ऊपर को जाएगा। और एक्स की वैल्यू मैंने चेंज नहीं की कि मुझे इसी एक्स एक्स की वैल्यू यही रहनी है, बस ऊपर नीचे करना है, ठीक है? और आगे पीछे नहीं करना। तो क्या करेंगे हम, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे क्यू के साथ, नीचे करेंगे -3। ये दोनों पॉइंट -3 हो गए हैं, लेकिन एक्सिस इनका, यानी कि ये एक्स एक्स की एक्सिस जो है वो सेम रहा है यहां पर, लेकिन जो वाई एक्सिस है ये स्ट्रेट, ये -3 दो पॉइंट नीचे आ गया। तो हमें जो है शोल्डर को नीचे करना था तो वो हमने वाई एक्सिस में वैल्यू डाली, ठीक है? अब अगला हमारा जो पॉइंट है, ये हमने नेक कर लिया, इसको मैं हाफ खत्म करने लगा हूं, ये कंफ्यूज करेगा। ये आधी शर्ट का हमने नेक स्ट्रेट ले ली, हमने चेस्ट ले ली, हमने लेंथ ले ली, ठीक है? हमारे पास ये है 72 डिस्टेंस, ठीक है? 72 मीटर, सेंटीमीटर। अब अगली जो इसकी वैल्यू सेट करनी है वो है फ्रंट ड्रॉप, फ्रंट नेक ड्रॉप, वो ये है 10.5। यहां से यानी एचपीएस से, ये एचपीएस है, इस पॉइंट को हम नाम दे ही देते हैं, ये एचपीएस है हमारा, और इस पॉइंट को भी नाम दे दें हम ये मिड नेक आ गई, ये आ गया और ये शोल्डर पॉइंट आ गया। अब हमें फ्रंट ड्रॉप चाहिए, फ्रंट ड्रॉप कितना चाहिए यहाँ एचपीएस से, अभी हमने बैक नेक ड्रॉप नहीं की, तो हम कितना करेंगे 10.5। ओ को सिलेक्ट करेंगे, ओ से हमारा लाइन के ऊपर कोई सा पॉइंट बनता है तो हम इसके करीब रखेंगे। अब देखें, पहले जब मैं लाइन के इस तरफ लगा रहा था तो वो क्या कह रहा था, नेक्स्ट, हमें कह रहा था प्रीवियस पॉइंट से कितना है। अब इसके लिए प्रीवियस पॉइंट काउंटरवाइज है,
ठीक है, ये अपना क्लॉकवाइज है इस तरह, यानी पीस जो चल रहा है यहां से यहां से यहां से चल रहा है, ठीक है, यू चल रहा है पीस। तो अब जब हमने निशान लगाया तो वो प्रीवियस, यहां नहीं हम डिटेल डालेंगे, हम कितने 10.5, यानी हमारे अगले पॉइंट से 10.5 डाउन हमारे पास ये नेक का आ गया फ्रंट ड्रॉप, ये हमारे पास फ्रंट ड्रॉप आ गया। इसी तरह अब हमें चाहिए बैक नेक ड्रॉप, ये है बैक नेक ड्रॉप 2.5, 2.5 सेंटी उसे दिया हुआ है, -2.5। अब ये देखें वाई एक्सिस में मैंने किया है, ठीक है, एक्स एक्सिस को नहीं छेड़ा, सिंपल ये नीचे आ गया। अब हमें फ्रंट नेक के लिए हमें एक लाइन चाहिए जिसको हम कर्व दें, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम ड्राफ्टिंग में जाएंगे, ये है ड्राफ्ट डी से, ये पेन का निशान है, ये ड्राफ्टिंग है, सिंगल लाइन या कोई सा भी जब पैनल डाल, इस ड्राफ्टिंग से हम डालते हैं, तो इसके लिए शॉर्टकट की जो है डी है, डी, ये डी लिखा हुआ, डी, डी फॉर डक, डी से करेंगे, ये पेंसिल का निशान आ जाएगा, तो इस पॉइंट पर क्लिक करके ओके करना है, फिर इस पॉइंट पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, और राइट क्लिक करके फिनिश कर देनी है। अब हमें चाहिए इस नेक का कर्व बनाना, तो मैं दो लाइनें इस तरह पकड़ूंगा ऊपर से और एक साइड से, मेरे पास इसको मैं कोशिश करूंगा 45 के एंगल पे सही बन जाए, यानी ये जो एंगल है यहां से ये 45 डिग्री के एंगल पे अच्छा कर्व बन जाए, और इसको मैं थोड़ा इस तरह कर दूंगा नीचे से, तो ये हमारे पास ये नेक तकरीबन मुकम्मल हो गई, इसको थोड़ा कर्व स्मूथ कर देना है। अब मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, आपको शर्ट नजर आना शुरू हो जाएगी। इसको मिरर करके आपने लाजमी नेक का जो है ना कर्व जो है उसको देख लेने हैं कि कर्व ठीक बन रहे हैं कि नहीं बन। अब इस कर्व में मुझे थोड़ा सा इशू नजर आ रहा है, वो मैं जरा इसको ठीक कर देता हूँ। ये अब ये काफी स्मूथ है, और यहां से भी स्मूथ कर देता हूँ, ये अब ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा कर्व बन गया। इसी तरह हम बैक नेक का भी स्मूथ ऐसे करेंगे, अच्छा अब आप ये देख रहे होंगे कि मैं ये पॉइंट कर्व कर रहा हूँ, इसकी शॉर्टकट की दोबारा कर लेते हैं, हमारे पास कोई भी लाइन हो तो उसको अगर हमने कर्व में लेके जाना है, ठीक, ये कर्व में अगर लेके जाना तो हम दबाएंगे M मूव पॉइंट जो कि यहां पर है मूव पॉइंट, ठीक है, अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे करता हूं तो ये चूच बन जाएगी, कर्व नहीं बनेगा। अगर मैंने M सेलेक्ट किया है, M, ठीक है, M का बटन दबाया तो मेरा ये कर्सर चेंज हो गया है, जब मैंने शिफ्ट प्रेस करके रखा और फिर इस लाइन को पकड़ के ऐसे किया तो ये कर्व में आएगी, ठीक है, शिफ्ट दबाकर तो आपने कर्व बन जाएगा। अब देखें जब मैंने ये इसको किया तो ये क्या आ रहा है, दोबारा आपको दिखाता हूं, इसको पकड़ के मैंने इस तरह कर दिया, ठीक है, M से शिफ्ट के बगैर, तो यहां पर देखें यहां पर ग्रेडिंग और कर्व दो पॉइंट आ रहे हैं इंटरनल प्रॉपर्टी में, ये मैंने आपको कहा था सेटिंग कर लें, इनकी आपको बार बार जरूरत पड़ेगी, तो एक है ग्रेडिंग एक है कर्व। अब चेक करें
अब मेरे पास है ये पॉइंट है, लेकिन ना ये ग्रेड में है ना कर्व में है। इस वक्त ये जो लाइन की टोटल लेंथ बता रहा है ये 16.52 बता रहे हैं। फर्ज करें इसको मैं ग्रेडिंग करता हूं तो ये दो हिस्सों में तकसीम होगी, ठीक है। यहां से पॉइंट कई मैयर जो है 8.73 सेंटीमीटर है, और यहां से यहां 7.79 है। इसी को मैं इधर से कर्व कर देता हूं तो ये कर्व हो गई है और इसकी मेयरमेंट भी बदल गई है। मुझे ग्रेडिंग पॉइंट नहीं चाहिए इसके अंदर, तो मैं ग्रेडिंग पॉइंट खत्म कर देता हूं, पूरी की पूरी लाइन ही कर्व में आ रही है। तो शिफ्ट दबाकर आपने इस कर्व को बनाना है, एम सेलेक्ट करके मूव पॉइंट, और इसके कर्व को सीधा कर देना है। और कोई अगर आपको कर्व सही समझ ना आ रही हो हॉफ में, तो एच दबाकर इसको मिरर कर लेना है, ताकि कर्व हमें सही तरह मालूम हो कि कर्व ठीक बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये हमारा गोल गले का कर्व ठीक हो गया यहाँ पर। इसी तरह हम बैक का जो कर्व है उसको सेट करेंगे, एम दबाकर, एम सेलेक्ट करना है, उसके बाद शिफ्ट को दबाकर पॉइंट को सेलेक्ट करना है और पॉइंट बनाना है। ये लाइन नीचे वाली इसलिए लगाई है ताकि मुझे पता चले कि ये बिल्कुल ठीक आ रही है इसके साथ के नहीं आ रही। तो हम इसको थोड़ा सा सेट करते हैं यूं करके, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। अब ये बैक नेक ड्रॉप, फ्रंट ड्रॉप, शोल्डर पॉइंट, बैक नेक स्ट्रेट, ये सारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमें चाहिए आर्म होल स्ट्रेट। अब आर्म होल स्ट्रेट के लिए हमें क्या करना है कि हमें पॉइंट चाहिए कि कितने पर हमने पॉइंट लगाना है, और हमारे पास है ये आर्म होल स्ट्रेट, यह है 23 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो शोल्डर की लाइन है इस तरीके से कि यहां से शुरू होगी और यहां पर आएगी स्ट्रेट पे 23 पे, ठीक है। अब लेकिन हमने 23 जब ये लगाया है इस लाइन के ऊपर पॉइंट लगाया है, ठीक है, लेकिन जो हमारी स्ट्रेट लाइन है वो 23.44 आई है, ठीक। अब ये क्या मसला है, इस मसले आपने क्या करना है, ये सर्कल है, इसकी शॉर्टकट की भी आ रही है कंट्रोल ऑल्ट सी, इसको पकड़ना है और यहां क्लिक कर देना है, ओके कर देना है, और इसको थोड़ा बड़ा कर दे, ओके कर दे। इस सर्कल की ये मेजरमेंट दे रहा है कितनी है, इसको हम कहते हैं 23 जो हमें चाहिए, ये 23 बन गया। ये देखिए अगर हम इधर निशान लगाते हैं ओ पकड़ के, इस पॉइंट के ऊपर यू निशान लगाएंगे, इसको ग्रेड करेंगे, ओके कर देंगे, और यहां से डी को ड्राफ्टिंग करेंगे तो हमारे पास पूरा 23 आएगा। ये 23 आया। इस सर्कल का ये है कि जब हमें आर्म होल की स्ट्रेट लाइन लेनी हो या किसी जगह पर कोई डिजाइन ऐसा डालना हो तो हम सर्कल के जरिए उसकी मेजरमेंट पूरी कर लेते हैं, क्योंकि सर्कल हर तरफ से एक जैसा बढ़ेगा। मिसाल के तौर पे यहां से अगर यहां सर्कल तक मैं निशान लगाता हूँ, ये भी 23 ही है लाइन, ये भी 23 है, यहां से
यहाँ निशान लगाऊंगा तो ये भी हमारे पास मेजरमेंट कितनी आएगी 23। तो ये किसी भी एंगल में जाएंगे, ठीक है, हमने सर्कल को रखा 23 सेंटीमीटर, तो किसी भी एंगल में जाएंगे तो हमारा पूरा 23 सेंटीमीटर ही आएगा। तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे और हम इस पॉइंट को भी डिलीट कर देंगे और हमारी एक ड्राफ्टिंग लाइन है इसको भी डिलीट कर देंगे। ये हमारे पास पूरा 23 आ गया सिंपल। अब इसका कर्व बनाना है आर्म होल का, इस तरह रखें, एम सेलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके रखें, लेफ्ट क्लिक के साथ इसको यू लेके आए, फिर ओके कर दें, शिफ्ट को छोड़ देना, फिर दोबारा शिफ्ट दबाना है, इस लाइन को सीधा करें यू, शिफ्ट छोड़ देना, क्लिक दोबारा करना है, ओके कर देना। ये हमारा कर्व बन गया स्लीव का, आपके सामने ये पूरी शर्ट आ गई है। ठीक, हमारे पास क्या आ गई, पूरी की पूरी शर्ट आ गई। अब इसके अंदर देखें हमारे पास ये गोल गला, बैक नेक, फ्रंट नेक, आर्म होल और चेस्ट वगैरह सब मुकम्मल है। चेस्ट को हम यहां से नापते हैं कितनी है, 53। अभी हमें चाहिए वेस्ट, ये 53 हमारी मुकम्मल है, वेस्ट चाहिए। वेस्ट वो क्या कह रहा है, यहां पर हमें वो कह रहा है वेस्ट है 41 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम HPS, HPS से 41 सेंटीमीटर डाउन पर वेस्ट बनती है, कितनी 52, 1 सेंटीमीटर अंदर चाहिए। अब हमारा टोटल है, ये हाफ हमारा 26.5 और पूरी कितनी है 53। तो हमें क्या चाहिए, 41 सेंटीमीटर HPS डाउन। ये HPS का निशान पे यहां रखा, कंट्रोल प्रेस करके रखना है और इस लाइन के ऊपर जो जो हमने बार ली है इसके ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी खुल जाएगी। इस पे हम करेंगे -40, याद रखें हम y एक्सिस में जा रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो माइनस करेंगे नीचे जाएंगे, प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे। अप्लाई, हमारे पास 41 सेंटीमीटर डाउन पे एक लाइन आ गई है, इसको मेजर करना है तो लाइन टू लाइन यहां से मेजर कर लें, ये 41 डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, 41 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, तो 41 सेंटीमीटर डाउन में एक पॉइंट लगा देते हैं, ओ ग्रेड पॉइंट, ओके। ठीक, अब एक सेंटी का पूरी शर्ट में वेस्ट 53 है, इसमें से एक सेंटी कम करना है तो हम क्या करेंगे, आधे पे हम काम कर रहे हैं तो एक सेंटी का आधा कितना हुआ। अब देखें, अब मैं एक्स एक्सिस के प्लस की तरफ नहीं जा रहा, माइनस की तरफ जा रहा हूं, माइनस 0.5, आधा हो गया एक का, माइनस 0.5, ये माइनस 0.5। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही है, इसको मैं कर दूंगा कर्व। ठीक, ये हल्का सा कर्व आ गया हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल हल्का सा, तो हमारी ये वेस्ट मुकम्मल होगी। अब आपने इन लाइंस को खत्म करना है, कौन सी वाली, ये बार्स को, ये जो हम गाइडलाइंस लेते हैं, इन गाइडलाइंस को करना है कंट्रोल आल्ट जी, कंट्रोल आल्ट जी करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर जितनी भी ये गाइडलाइंस होंगी ये सारी की सारी गायब हो जाएंगी। अगर एक को करना है तो क्लिक करके डिलीट, क्लिक करके डिलीट प्रेस करना है।
अगर एक एक को किसी को गायब करना है आपने, ठीक। तो अब हमारे पास ये एक शर्ट का बेसिक ब्लॉक आ चुका है। इसमें हमने वेस्ट भी सेट कर दी, आर्म होल ये स्ट्रेट यहाँ से यहाँ 23 डिस्टेंस भी आ गया हमारा। आर्म होल की लेंथ 26.13 आ गई, ठीक। अब हमें एक चीज बस देखनी है कि हमारा फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस जो कि मैंने शर्ट में समझाया था ये है। फ्रंट अक्रॉस 15 सेंटीमीटर डाउन, ये एक्स फ्रंट और एक्स बैक 15 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम एचपीएस। तो हम इसको एचपीएस से 15 सेंटीमीटर डाउन करेंगे। ये एचपीएस पे मैंने बार लगाई, कंट्रोल दबाया, लेफ्ट क्लिक किया, -15, ये मैं इधर आ गया। अब मैं यहां से इसको चेक करूंगा कितना है। मेरे पास आ रहा है तकरीबन 41, उसे कितना चाहिए, उसे चाहिए 49। तो 1 सेंटी 15 को करूंगा, 2 सेंटी कम है, हम हाफ में काम कर रहे हैं, तो हम 1 सेंटी बस अंदर को करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के -1 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे ताकि ऊपर नीचे ना हो। या अब ये फ्रंट क्रॉस को दोबारा चेक करते हैं, ये 39 आ गया, ये मुकम्मल हो गया 39। अभी इसको चाहिए बैक क्रॉस, तो अभी हमारे पास बैक क्रॉस की लाइन है नहीं, हम डी सेलेक्ट करेंगे, डी से ड्राफ्टिंग कर लेंगे, एक और लाइन बना देंगे ये, और उसको फिनिश कर देंगे। ये हमें कितना चाहिए, इसका हम पहले कर्व बना लेते हैं। अब याद रखिएगा जो बैक होता है उसका कर्व जो है थोड़ा सा इसके बाद से आता है। फोर्टी वन था बैक अक्रॉस, तो हम इसको चेक कर लेते हैं, इसको कितना है 0.73, यानी कि हमारे पास कितना कम है, आधा हो गया, 0.25 का आधा हो गया। इसको हमने बाहर को निकालना है, 0.125, 0.125, 0.125 हो गया 0.25। तो ये अब हम इसको चेक करते हैं, ये 40.96 यानी कि 41 के करीब आ गया। तो हम इस वाले को थोड़ा सा थोड़ा सा यू सेट करते हैं, तो ये हमारा पॉइंट का मसला भी क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, फ्रंट बैक दोनों इकट्ठी एक ही पैटर्न में हैं। अब इसलिए मैंने इसको क्या लिखा था, बेस, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये इसलिए मैंने इसको बेस लिखा था क्योंकि हमारी दोनों फ्रंट और बैक एक ही पीस के अंदर है। अब इसमें से फ्रंट निकालनी और बैक कैसे निकालनी है, तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हम करेंगे, यहाँ था बिल्ड टूल, ये ट्रेस, इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन है। डायरेक्ट कट्ठा बिल्ड करना हो तो बी दबा दें, कंट्रोल बी। मैं सेगमेंट टू सेगमेंट ज्यादा अच्छा करता हूँ क्योंकि इसके साथ जो पॉइंट्स पॉइंट हैं या कंटोर के ऊपर जो पॉइंट्स बनते हैं वो ज्यादा नहीं आते, ये कंट्रोल बी के साथ। दोनों की वर्किंग बता देता हूँ, जैसे कि ये बिल्ड है बी, ये क्लिक किया, इसमें चेक कर लें, ये सिर्फ फ्रंट को सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर क्लिक किया, दो दफा क्लिक किया, तो हमारे पास ये एक पीस बन गया, ये ठीक है।
फ्रंट का पीस और ये लाइन को सिलेक्ट करके ब्लेड कर दिया, ये हमारे पास फ्रंट आ गया। एच करके हम इसको कर लेते हैं, मिरर कर लेते हैं। अक्सर बिल्ड के अंदर ये होता है कि जो बी से बिल्ड करें तो ये होता है कि कई दफा दो दो तीन तीन लाइनें इकट्ठी आ जाती हैं, जैसे अभी मैंने नेक से एक लाइन डिलीट की है, ठीक है। इसी तरह बी दबा के बैक को लेना है, ये और ये, ठीक है। दोबारा क्लिक करूंगा तो ये मुकम्मल हो जाएगा। इसमें फ्रंट का हिस्सा मैंने डिलीट कर दिया और यहां यहाँ भी दो लाइनें मुझे महसूस हो रही हैं, नहीं यहाँ पर एक ही है, ठीक है एक ही है। तो हमारे पास ये आ गया, एच दबाएंगे तो अब ये देखें हमारे पास दो पीस आ गए हैं, फ्रंट और बैक। ये जूम करने का तरीका व्हील पर है, माउस का व्हील से जूम अप और जूम डाउन होता है, जूम इन होता है। अब ये स्लीव को चेक करिए, मैंने साथ लगाया तो इसका कर्व काफी स्मूथ बन रहा है, यू स्मूथ होके ये बन रहा है, ठीक है। अब ये पीस जो है इसका नाम हम क्या देंगे, पीस प्रॉपर्टीज में जाके लिख देंगे फ्रंट और इसको लिख देंगे बैक। फ्रंट और बैक हमारी मुकम्मल हो जाए और ये हमारे पास बेस है। अब यही बेस जो है आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें आपके पास जैकेट आ गई है और जैकेट में आपके पास वो कह रहा है जस्ट उसे जो चाहिए 53 नहीं चाहिए 56 चाहिए, सिंपल आपने क्यू प्रेस करना है, ये वाला हिस्सा सेलेक्ट करना है, ठीक है। और 56 का हाफ कितना होता है, तो अब हमारे पास जो पहले है वो 53 है तो उसमें हम 1.5 ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये चौड़ा हो गया, ठीक है। वो कहता है आर्म होल जो है वो मुझे चाहिए 23 नहीं चाहिए 25 चाहिए जैकेट का। हम इस दो पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, -2 कर देंगे, ओ नहीं यहां नहीं वाई में जाना है हमने, -2 से कर देंगे। हमारे पास आर्म होल बड़ा हो गया है, ठीक है, ये आर्म होल हमारे पास 25 आ गया, ठीक। इसी तरह वो कहता है मुझे लेंथ भी बड़ी चाहिए तो हम इसको लेंथ करके -2 सेंटीमीटर बढ़ा देते हैं, फर्ज किया है। तो हमारे पास ये एक साइज बड़ा आ गया। अब कितना साइज बड़ा है ये चेक करें, ये चेक यहां से, ये वाला हमारा पुराना पीस हमने बनाया था और वाला बड़ा पीस जो हमें नए साइज चार्ट पे फर्ज किया, नए साइज चार्ट पे था वो चेक किया तो उसका आर्म होल भी बड़ा है, उसकी सब कुछ बड़ा है, चेस्ट भी बड़ी है, शोल्डर भी बड़ा है। इसी तरह जो जो मेजरमेंट्स आएंगी तो इसी बेस से आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये फाइल मैं आपको वैसे साथ दे दूंगा, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो इस फाइल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी काम के लिए, यानी कोई भी जैकेट किसी किस्म की भी आए तो उसके ऊपर आप वर्किंग कर सकते हैं इस जैकेट की मेजरमेंट को उस हिसाब से कंप्लीट करते हुए। तो मैं इस बेस को वही पुरानी बेस पे ले जाता हूँ, ठीक है, ये पुरानी अपनी जगह पर आ गई है, इसको सेव भी कर लेते हैं हम। जब मैंने उसका नाम लिख रहा है तो अपने आप ये से ट्रेनिंग शर्ट नंबर 001, तो हमने इसको एक नाम दे दिया इस पैटर्न को।
अब हम इसकी तैयार करते हैं। ठीक, यहां तक को फ्रंट बैक हमने बना ली है, अब इसकी बनाते हैं हम स्लीव। तो शोल्डर स्ट्रेट ये भी हमारा क्लियर है, बैक ड्रॉप भी हमारा क्लियर है, बैक लेंथ, ये बैक लेंथ में चेंज नहीं करने लगा, 2 सेंटीमीटर लंबी बनानी है। चले मैं आपको बताता हूँ किस तरह बनानी है। 2 सेंटीमीटर बैक वो कह रहा लंबी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बैक, ये हमने बैक लिखा हुआ है, इसकी 2 सेंटीमीटर बैक लंबी करनी है। क्या करना है, हमने इसको पकड़ के -2 0 एम दबाना है, शिफ्ट कर्व को बना देना है, चूंच नहीं बनानी, हमने कर्व कर देना है यूं, ठीक है। तो ये हमारे पास स्मूथ करवाना है, ये स्मूथ करवा गया, ठीक है। अब क्या चेक करना है हमने, ये हमारे पास आ गया और हमने इसको, हमारे पास 73.4 HPS से यहाँ से हम लेते हैं, हमारा टोटल लंबाई आ रही है मिड की 74, ये 74 हमारा लंबा हो गया। एक तो ये तरीका है, अब क्योंकि इसके अंदर उसने किसी किस्म डिटेल नहीं लिखी हुई, पीछे से कर्व में चाहिए या सारा लंबा चाहिए, तो फर्ज करें उसको सारा का सारा लंबा चाहिए बैक, तो हम सिर्फ जो है इस पॉइंट को नहीं नीचे करेंगे मिड को, हम दोनों पॉइंटों को पकड़ेंगे और -2 कर देंगे, ठीक। तो हमारी ये शर्ट 2 सेंटीमीटर इधर से लंबी हो गई है, बैक फ्रंट से लंबी हो गई है। अब इसके बाद हम इसके बनाते हैं स्लीव। तो स्लीव के लिए हम लेंथ देख लेते हैं, आर्म होल हमने पहले बना लिया है, ओके है। स्लीव लेंथ 24 cm ओवर स्ट्रेट, 24 सेंटीमीटर लंबा हम ब्लॉक लेंगे, और बाइसेप वो कह रहा है 20 सेंटीमीटर हम उसकी चौड़ाई लेंगे, ठीक है। अब बाइसेप का होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाइसेप ये है, ये बाइसेप, ठीक है, ये बाइसेप है। तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपल न्यू ब्लॉक लेंगे, इसको हम लिख देंगे सीधा सीधा स्लीव, और 24 इसकी लेंथ और इसका बाइसेप, बल्कि 20 बाइसेप नहीं लेंगे हम, 23 लेंगे आर्म होल का साइज, ठीक है। ये दोबारा इसी इसी तरह आया है स्ट्रेट में, तो हम इसको चेंज कर देंगे जिस तरह मैं तैयार करता था। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसका ओपनिंग क्या है, ये है इसकी हाफ कफ विड्थ अलॉन्ग बॉटम एज 18, वो कह रहे हैं 18 सेंटीमीटर इसकी ओपनिंग। हम सिंपल इसको यहाँ क्लिक करते हैं और हम इसका कर देते हैं 18, हमने एक पॉइंट बनाया और इस पॉइंट को हम कर देते हैं डिलीट, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम कर देते हैं डाउन -6 सेंटीमीटर में, ये हमारे पास आ गया इस तरह शेप आ गई। अब बस हमने इसका कर्व बनाना है, और हमने कौन सी मेजरमेंट पूरी करनी है, पहले फ्रंट की फिर ये बैक की। याद रखें जब ये कर्व है तो ये बड़ा है क्योंकि उसने फ्रंट क्रॉस दिया हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं कि फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस को एक जैसा रखते हैं, क्योंकि मोस्टली काम इसी तरह आएगा, तो बेहतर है मैं आपको दूसरे तरीके से ही समझाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।
मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके। ये तो हमने साइज चार्ट पे बनाया ना ये दोनों, ठीक। हमें इसको इस्तेमाल नहीं करने लगा क्योंकि इसकी आर्म हो दोनों में फ़र्क है, तो ये आपके लिए ज़रा स्टार्टिंग में ज़रा मुश्किल हो जाएगा दोनों मेजरमेंट मुकम्मल करना। तो मैं दोनों की मेजरमेंट बराबर रख के जो है ना आपको समझाता हूँ, फ्रंट और बैक की एक जैसी मेजरमेंट रख के जो हमारी मार्केट में मोस्टली चलता है। अब मैंने फ्रंट और बैक दोनों जो है ना वो बराबर, हमारा फ्रंट और बैक एक जैसी ही स्लीव आए, हमें दोनों में चेंजिंग ना करनी पड़े। तो वो जो दोनों की अलहदा अलहदा से होती है उसको मैं अंदर बाद में समझाऊंगा वो कैसे करते हैं, होजरी में कैसे करते हैं और सिविल ड्रेस में कैसे करते हैं, दोनों में फ़र्क है तरीके का। तो हमारा काम होजरी का है, स्पोर्ट्स गारमेंट्स वगैरह का मोस्टली काम है, तो उस हवाले से हमारे पास मोस्टली दोनों बराबर ही आती हैं। अगर फ़र्क आ जाए तो वो कैसे करना है वो मैं अगली किसी वीडियो में आपको समझाऊंगा उसको कैसे कवर करना है, अभी बेसिक चीज़ आपको जो है ना वो समझा दूं। अब हमें क्या करना है, ये इस आर्म होल की जो टोटल कर्व का लेंथ है वो हमने इस पे मुकम्मल करना है, क्या है 25.66। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एच दबाएंगे और इसको पूरी स्लीव कर देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एम पॉइंट लेके इसका कर्व बना रहे हैं ताकि ये गुलाई में आ जाए, फिर क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा और नीचे कर रहे हैं और यू हमारे पास क्या आ गया 25.1। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना बाइसेप मुकम्मल करेंगे। अब बाइसेप कितना है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर डाउन पे वो कह रहा है 42 आ रहा है हमारे पास, ये बाइसेप 2 सेंटीमीटर डाउन, ये बाइसेप वो कह रहा है 2 सेंटीमीटर डाउन फ्रॉम द अंडर आर्म यानी आर्मपिट से 20। इसका मतलब है उसे चाहिए ये हमारा 42 आ रहा तो हमें चाहिए 40। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम करेंगे इसको एक सेंटीमीटर अंदर। ये मैं फिर बता रहा हूं, प्लस में वैल्यू एक्स एक्सिस में ऐसे जाएगी राइट साइड पे, माइनस में इस तरह जाएगी, यानी इस ये पॉइंट मैंने सेलेक्ट किए हैं और इसकी प्लस की वैल्यू 1 की है तो ये अंदर को आएगा, इस तरफ को, इस तरफ को आएगा राइट साइड पे। अगर यही मैं माइनस कर देता हूँ 1 तो ये इधर को चले जाएंगे। इसी तरह ये y है, अगर y की वैल्यू मैं 1 करता हूँ यानी प्लस में तो ये ऊपर को जाएगा, माइनस करूँगा तो मैं इसको 1 सेंटीमीटर अंदर कर रहा हूँ और -1 नीचे कर रहा हूँ, ये ठीक है। तो अभी हमारे पास कर्व जो है 24.9 आया है और हमारा 2 सेंटीमीटर डाउन पे हमारा 39.20 आ गया, यानी हमारा बाइसेप मुकम्मल हो गया है लेकिन ये आर्म होल हमारा मुकम्मल नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इधर एक निशान लगाएंगे, इसको हम थोड़ा और नीचे करेंगे ताकि हमारी मेजरमेंट्स पूरी हो। ये आ रहा है 25.66 और हमारे पास आ गया है 25.1, और इस कर्व को हम बनाएंगे थोड़ा सही करके ये, और ये हमारी बन गई स्लीव, हमारे पास 25.65 और ये 25.66
1025010 तक भी कोई फर्क नहीं होता, ठीक है। तो 25.65, 25.66 तो हमारी ये स्लीव। अब हम ये स्लीव क्या है, ये दोनों की शेप में क्यों फर्क है, इस चीज को समझें। हम इसको स्ट्रेट भी बना सकते थे, स्ट्रेट बना कैसे चढ़ा, तो जब गारमेंट्स बनता है तो उसमें अगर ये कर्व ना हो, ठीक, स्लीव में इस तरह का कर्व हम ना बनाए, ये लाइट सी स्लाइड का, ठीक, तो ये सही तरीके से बाजू चढ़ेगा नहीं, ठीक। अभी हमने, आप ये कह रहे होंगे हमने इसको इतना नीचे क्यों किया, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी ये हमने इतना नीचे क्यों किया, वो इसलिए क्योंकि हमें अंडर आर्म का, अंडर आर्म की इन सीम का उसने कोई साइज नहीं दिया हुआ, हमें दिया हुआ है ये लेंथ 24 सेंटीमीटर जो कि हमारे सामने है। दूसरी उसने दी है, हमारे पास आर्म होल था और उसके कर्व के मुताबिक हमारे पास 25.66 जगह बन रही है। एक उसने दी थी हमें ओपनिंग 18 और ये हमने 18 कर दी स्लीव की ओपनिंग। तो अब जब हमने इसका कर्व को इस तरह के कर्व में मुकम्मल करना है, इस कर्व को, ये गुलाई वाले कर्व को स्लाइड वाले कर्व में मुकम्मल करना है और बाइसेप मुकम्मल करना है, जो कि बाइसेप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 40 आ रहा है, तो वो भी मुकम्मल है, ओपनिंग भी मुकम्मल है, तो हमारा कर्व हमने उसको उसी मुताबिक कवर कर दिया और हमारी अंडर आर्म जितनी आ रही है उससे हमें गर्ज नहीं है, क्योंकि उसने हमें नहीं दी हुई, हमारी बाकी मेजरमेंट्स जो उसने दिए वो मुकम्मल है, तो हमारी बेहतरीन प्रॉपर शेप स्लीव की बन गई है। अब फर्ज करें इसको मैं चेक करना चाहता हूँ, जरूरत नहीं है क्योंकि मेजरमेंट्स पूरी है तो जरूरत नहीं होती, लेकिन वैसे ही ये मैंने सेलेक्ट किया वॉक, ये डब्ल्यू, डब्ल्यू इसकी शॉर्ट की है, वॉक आपने करना है और इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ देना है, इसने यहाँ चढ़ना है, तो इसके बाद की से जो है आपके कीबोर्ड पे उससे इसको चला के आप चेक कर सकते हैं, ये इस तरह चढ़ेगा स्टिच पे, यूं ये पूरा चढ़ रहा है, ठीक है, ये यूं चढ़ता है, ये सिलाई होगा तो यूं चढ़ेगा, ठीक है, और आधा जो बाजू है वो दूसरे बैक साइड पे चढ़ जाएगा। जैसे कि हम इसको करते हैं, फ्लिप कर लेते हैं, और ये आधा बाजू जब इधर को आएगा तो ये इसके साथ जुड़ा होगा, इसको भी वॉक करा लेते हैं यूं, ठीक है, तो ये हमारा बाजू आधा इधर चढ़ेगा आधा उधर चढ़ेगा, हो जाएगा। अब इन सब की शेप्स देखें, अभी ये देखें प्रॉपर ये शेप आ रही है, ठीक है, तो आपने ये चीज़ खुद चेक कर लेनी है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि आपका कर्व अच्छा नहीं आ रहा तो ये कर्व को स्मूथ रखें, ठीक है, दो पॉइंट से कर्व अच्छा खासा स्मूथ हो जाता है, ज़्यादा पॉइंट्स ना बनाए, ज़्यादा पॉइंट्स में उलझन होगी पॉइंट्स मैनेज करते हुए, तो दो पॉइंट्स में ये आर्म होल का कर्व काफ़ी बेहतर बन जाता है, गले का कर्व काफ़ी बेहतर बन जाता है और स्लीव का कर्व भी दो पॉइंट से, यही कर्व पॉइंट से बेहतरीन बन जाता है। अगर करना है, अगर आपने पीस को उल्टा कर दिया है तो हमारे पास ये ऑप्शन में है रोटेट लाइन हॉरिजॉन्टली, इसकी शॉर्टकट की है माइनस, और शिफ्ट माइनस में है वर्टिकली, ठीक है, अब मैं दबाता हूं शिफ्ट माइनस और ये इस तरह आ गया, ठीक, तो ये रोटेट करने का है, इसको सेलेक्ट करते हैं यूं, ठीक है, पीस स्ट्रेट हो गया, यानी पीस टेढ़ा था, रोटेशन में था, किसी एंगल पे था, तो हम उसको जब सीधा रखना चाहते हैं, अब ये लाइन देखें बिल्कुल सीधी आ गई है, ये हमारी होती है ग्रेन लाइन, इसको बोलते हैं हम, ये जो अंदर की लाइन है ये ग्रेन लाइन होती है, इसको इसलिए डाला जाता है ताकि जो पैटर्न ट्रेसते हैं, कटिंग करते हैं, उनको पता हो कि हमने पीस को लगाना किस तरफ को है,
फैब्रिक के ऊपर रख के। तो इसके लिए ऑप्शन ये है बेस लाइन, इसको बेस लाइन, सॉरी बेस लाइन कहते हैं, वैसे हम ग्रेन लाइन कहते हैं। तो ये बेस लाइन है, इसको हम करेंगे सेट बेस लाइन डायरेक्शन। जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो मैं इसके मिड से लेके यू कर दूंगा, तो ये सीधी हो गई है। अब इसके अंदर लिखाई टेढ़ी है, लिखाई का एंगल ये है इस तरफ, किसमें, पीस प्रॉपर्टी में। पीस प्रॉपर्टी में जाएंगे तो एंगल मैं इसको 90 कर देता हूँ, ये 90 के एंगल पे सीधी आ गया। लिखाई का साइज 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर रखा करें ताकि इजीली जो है ना प्रिंटिंग में आ जाए। 1.5 काफी बड़ा हो जाता है, और इसको भी 90 कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहां तक आई प्रेस किए हैं और इंटरनल लाइन को इधर कर दिया है। आई दबाएंगे तो इंटरनल लाइन को हम पिक कर सकते हैं, किसी इंटरनल पीस को पिक कर सकते हैं आई से। ये आगे आके हम इसके ऊपर भी वर्किंग करेंगे। अभी बेसिक बॉडीज बनाना, बेसिक ब्लॉक बनाना, ये आप सीख लें। इसके मुतालिक आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो सब क्वेश्चनों को हम एक ऑनलाइन सेशन में क्लियर करेंगे, ताकि औरों के भी जो जो बातें हैं उनके जेन से क्लियर हो जाए। तो अभी हम इसके लगाएंगे, इसकी अब हम देंगे सीम। अब सीम क्या होता है? सीम होती है जब दो कपड़ों को, यानी दो पल्लों को हमने आपस में जोड़ना है। मिसाल के तौर पर ये मैंने इसके ऊपर रखा है फ्रंट और बैक। अब इसके साइड पे यहाँ पे सिलाई लगनी है। अब जब सिलाई लगनी है तो कुछ ना कुछ फैब्रिक तो चाहिए जिसके ऊपर सिलाई लगे। यानी कि अगर फर्ज करें, अगर हम इसकी सिलाई, जो मशीन का पाऊ है वो यहां रख के चलाता है इस जगह पर, तो वो तो इतना इतना काट देगा, यानी इतना इतना तो वो कवर हो जाएगा, उसके कट जाएगा। फर्ज करें यहां से चलाता है तो वो यहां तक आता है। ठीक है, तो वो तो इतना इतना उसको कट कर देगा, हमारा पीस इतना इतना छोटा हो जाएगा। यानी ये इधर से फैब्रिक इतना लेगा, और इधर से फैब्रिक फ्रंट पल्ले और बैक पल्ले से इतना इतना फैब्रिक लेगा, तो हमारा पीस छोटा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं सीम। अब सीम अलाउंस को लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले इन सब पीसों को सिलेक्ट कर रहे हैं, राइट क्लिक करके सिलेक्ट टूल पे आ जाए, इन सब पीसों को सिलेक्ट कर ले। ठीक, और ये है बेसिक सीम, एड बेसिक सीम। दोबारा देख लेते हैं बड़ा करके, ये यहां पर है, ये है एड बेसिक सीम, ये। ठीक है, ये मशीन का निशान भी बना हुआ है कि मशीन का अलाउंस डालना है। ठीक है, हम सबको सेलेक्ट करेंगे, यहां आएंगे, और ये दूसरी ऑप्शन जो है बेसिक सीम, इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी हमारे पास एक छोटा सा बार खुला है, इसमें हम करेंगे 1 cm। मोस्टली मोस्टली होजरी में किसी भी चीज में 1 cm का दबाव चलता है, हमारी जुबान में बोलते हैं दबाव, बाहर बोलते हैं सीम अलाउंस, या सीम भी बोलते हैं, सीम कितनी रखनी है। तो दबाव हमारी मार्केट में इसको सिंपली दबाव के नाम से जाना जाता है, दबाव कितना देना है। तो दबाव हम दें 1 सेंटीमीटर। अब ये देखें, इसके इर्द गिर्द एक छोटी सी लाइन आ गई है जो हमें बता रही है कितनी है। ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसकी सीम विड्थ। ठीक है, ये मैंने सीम विड्थ की ऑप्शन ऑन की है, तो ये क्या कह रहा है? एस लेंथ कह रहा है, टोटल लाइन की कितनी है? 10.89, और
कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम ऑन नहीं करते, बहुत सारा हमारे पास डाटा इकट्ठा हो जाता है हमारे किसी काम का नहीं। तो हमारे पास ये सारा इकट्ठा हो गया है। अब जब हर तरफ हमारा 1 सेंटीमीटर का दबाव आ गया, तो दो चीजों में हमें एक्स्ट्रा दबाव करना पड़ता है, क्या? ये है हमारे पास इधर ये जो ओपनिंग है हाफ स्लीव की, और ये जो हेम है, ये यहाँ हमें मार्जिन ज्यादा चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? यहाँ चलती है फ्लैट लॉक मशीन, होती है फ्लैट लॉक। तो हमें स्लीव के एंड पर और हेम के एंड पर, अगर इनके एंड पर रिब ना हो, तो आप अपनी कोई सी शर्ट, टी शर्ट, कोई सी ऐसी आर्टिकल टी शर्ट जो पहनते हैं, वो देखें जिसके साथ रिब ना लगी हो, स्लीव के ऊपर या नीचे घेरे पे रिब ना लगी हो, तो आप चेक करेंगे उसके नीचे फोल्ड हुआ होगा 1 इंच के करीब, ठीक? यानी डाउन में आपकी स्लीव पे भी और हेम में भी 1 इंच का फोल्ड हुआ होगा, और एक सिलाई लगी होगी लूपर वाली जिसके अंदर मुख्तलिफ स्टिच चली होंगी, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैट लॉक। उसके लिए हमें मार्जिन दबाव या सीम अलाउंस चाहिए होता है 1 इंच। तो हम शर्ट में अब 1 इंच का दबाव देंगे फ्रंट और बैक में जगह पर, और स्लीव की लेंथ वाली जगह पर। तो मैं सिलेक्ट करूंगा सिंपली एस, दबाऊंगा एस पे, क्या है ये एड सीम। अगर आपने सिंगल सेगमेंट में कोई दबाव डालना हो अपनी मर्जी का, उसको एस प्रेस करते हैं, ठीक है? एस प्रेस कर लें या उधर से सेलेक्ट कर लें जिधर से बताया है। तो ये एस करके अब देखें, मैं आपको एक और वही काउंटर वाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बताता हूँ। अब क्लॉकवाइज पीस चल रहा है, यू यू चल रहा है पीस, ठीक है? अब मेरे जेन में तो है, अब आप लोग नए हैं तो इस वजह से मैं आपको बताता हूँ। यहां से यहां मैंने किया आधे पे, और मैंने कर दिया 2.54, 2.54 1 इंच होता है। अभी हम सेंटीमीटर में काम करें तो देखें, किया तो हमारा ये बढ़ गया। ये देखें, कंट्रोल जेड किया वापस आ गया, कंट्रोल वाई किया तो ये वापस आ गया, ये हमारा नीचे हेम बढ़ गई। अब फर्ज करें एंटी क्लॉकवाइज में अगर लगाता हूं, तो यहां से ये एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा हूं, ठीक है? यहां करता हूं 2.54। तो क्या हुआ, सिर्फ उसने इस हिस्से को नहीं लगा और बाकी सारे हिस्से पर 2.54 लगा दिया। देखिए कितनी चौड़ी सीम हो गई है, ठीक? तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ये देखें, आपको रेड, ये लाइन भी रेड कलर में शो कर रहा है कि सिलेक्ट कौन सी हुई है, ठीक है? तो हम कंट्रोल जेड करते हैं, तो हम क्लॉकवाइज काम करना है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और 2.54 ये सीम लगा दी, इसी तरह क्लॉकवाइज ये 2.54। हमारे पास दोनों का सीम अलाउंस आ गया नीचे। अब अगली, अब ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है? लेकिन ये देखें, इसका मिरर इस साइड पर है और इनका मिरर इस साइड पर है, तो आपने परेशान नहीं होना, क्लॉकवाइज जेन में रखना है। और ये क्लॉकवाइज मैंने इधर किया है, हालांकि जब मैं इधर था तो मैंने इस हिस्से पे किया था, ठीक है, आधे हिस्से पे, लेकिन इधर हूं तो इसके इस हिस्से पे कर रहा हूं क्योंकि इसका मिरर इस तरफ हुआ है। अब चाहे तो इसको चेंज कर लें, ये मिरर मैंने चेंज कर दिया, ये फ्लिप यहां पर, ठीक है? ये फ्लिप की ऑप्शन है, ये इस तरफ फ्लिप होगा, ठीक है? ये ऊपर नीचे फ्लिप होगा, इसके क्लिक करूंगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, दोबारा क्लिक करूंगा फिर सीधा हो जाएगा और ये फ्लिप हो रहा है। तो ये फ्लिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, अब फिर क्लॉकवाइज आ गया, तो हम इसका यहां पर, अब जब आपने स्लीव पर लगाना है, खास तौर पे हाफ स्लीव शर्ट हो, तो जब भी आपने हेम देनी है, हेम का दबाव देना है, ये इसकी हेम है, स्लीव की हेम है, स्लीव की ओपनिंग है, इधर जब दबाव देना है तो क्या करना है, 2.54 और
ये है सीम्स की डायरेक्शंस, सीम्स की मुख्तलिफ ऑप्शंस। इसमें आपने क्या करना है, सी ये वाला, ये सी ऑप्शन जो है थोड़ा सा कट बाहर को है, ये वाला सेलेक्ट करना है आपने। टू पॉइंट फाइव फोर हमने ये इसको सेलेक्ट किया, सी सेलेक्ट किया, और यहां पर भी ये फोर सेलेक्ट किया जो बायर है, ये बायर है, बायर है। ओके किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये ठीक है। अब ये शेप क्यों इस तरह करते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ा हिस्सा है जिसके अंदर इसने कपड़े ने फोल्ड होना है। जब हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो चुन्नट नहीं आएगी, इसको कहते हैं पीस फिर जाता है, फोल्डिंग करते हुए पीस अक्सर घूम जाता है जिसकी वजह से तिरछी तिरछी चुन्नट आती है। तो इस वजह से हमें इसके अंदर जो है ना ये शेप की देनी पड़ती है इस तरह। अब कोई सा भी पैटर्न अगर आप देखेंगे स्लीव का तो आपको इसी तरह मिलेगा, और ट्राउजर का देखेंगे ट्राउजर के पोंचे में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि उधर फोल्ड हो और हेम चलती है जब फ्लैट लॉक, तो उसके लिए जरूरी होता है। तो आपने इसको इस ऑप्शन पे रख के आपने इसको कर देना है। तो हमारे पास ये स्लीव आ गई, बैक आ गई, और ये फ्रंट आ गई, ठीक है। और ये दो पीस फ्रंट क्रॉस वाले और बैक क्रॉस वाले, और ये वाला पीस हमारे पास आ गया बेस। तो ये सारी चीजें आपको आइंदा भी इस्तेमाल होंगी, ये फाइल मैं आपको भेज दूंगा तो ये आप इस्तेमाल कर लेंगे। इसके साथ कुछ डिटेल्स डालते हैं हम, जैसे कि ये स्लीव है, स्लीव की क्वांटिटी इधर लिखी हुई है, ये आपको बता देता हूँ, ये क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है। तो इस क्वांटिटी पे हम क्या करेंगे, स्लीव सेक किया, क्वांटिटी यहाँ टू कर देते हैं क्योंकि दो स्लीव लगनी है। ये जब कटिंग करने वाला होगा उसको ऊपर लिखा होगा कि ये पीस कितने लगने हैं, उसके लिए ये पीस है, ठीक है। वैसे तो नॉर्मली कटिंग वालों को पता होता है, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं ये पीस कितने लगने हैं, दो लगने हैं, या वन और पेयर वन, यानी ये आ गया वन वन, या वन वन कर दें, या हम उसको बता देंगे ये दो पीस लगने हैं, उसको पता होगा हाँ जी दो पीस लगने हैं, ये दो कर दें। तो मोस्टली अगर ऐसा, मैं फिर वन वन करता हूँ इस तरह। इसी तरह जो फ्रंट है ये बैक है, बैक का पहले लिखा हुआ वन, ये हमें एक ही चाहिए, फ्रंट भी एक ही चाहिए, हमें दो चाहिए। तो ये हमारे पास मुकम्मल सेट हो गया। आखिरी चीज जो हमारे पास रह गई है वो है गले की रिब। इस गले की रिब हमें चाहिए, तो वो हम देख लेते हैं कितनी है। हमारे पास है नेक रिब, हमारे पास सीबी कॉलर डेप्थ, ये इसने सीबी और सीएफ, सेंटर बैक सेंटर फ्रंट, कलर चेंज करते हैं इसका, ये सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक कलर डेप्थ, ठीक है। कॉलर डेप्थ, कॉलर की डेप्थ क्या है, 1.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है मुझे नेक रिब चाहिए 1.5 सेंटीमीटर तैयार, ठीक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट करेंगे, टोटल गले का सर्कल कितना है, ये 10.89 है और ये 16.22 है। दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हम इस यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और कंपेयर लेंथ टूल इस पे क्लिक करेंगे। अब जब मैं लाइन पे क्लिक, तो आप यहाँ देखिएगा यहाँ आपको मेजरमेंट आना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि ये लाइन पे क्लिक किया 10.89, ठीक है, ये 10.89 है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसके बाद मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेंथ चाहिए, मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ, कितनी आ गई
टोटल पहले कितनी थी, ये हमने प्लस की, पहले प्लस की 10.89, दूसरी हमने की 16., तो हमारे पास 27.11 आ गई। सताइस शारिया ग्यारह हमारे पास नेक है। अब हम लेंगे विड्थ कितनी है, 1.11। लेंथ उसको यानी डेप्थ चाहिए थे, डेप्थ यानी रिब का नेक जो है, कॉलर जो है वो चौड़ाई में 1. हम क्या करेंगे, हम रखेंगे 3। अब 3 क्यों रखेंगे वो मैं आपको बताता हूं। इसका नाम रख लेते हैं नेक रिब। ये नेक रिब है हमारे पास और ये हमारे पास आ गई 27.11। अब इसको अब जब इधर रखेंगे तो आपको देखेंगे ये काफी बड़ी है स्ट्रेट में, ठीक है। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, पूरी मेजरमेंट की लेंथ लेके उसमें से हम 1 इंच कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 2.54। तो हमारे पास 27.11 में से 2 निकला हमारे 25.11, 25 और 50 24.5 के करीब आ जाएगा। तो हम इसको सिंपल यहाँ सेलेक्ट करके ऐसे करेंगे और विड्थ इसकी करेंगे 24.5। तो ये हम छोटी कर देते हैं क्योंकि रिब में अपनी लचक होती है, तो ये छोटा करेंगे तो ये सही बैठेगी गले के ऊपर। यानी ये सिंपल एक कुलिया है, पूरी की पूरी रिब की मेजरमेंट करनी है गुलाई में, ये पूरी गुलाई में हमने मेजर किया, उसमें से 1 इंच छोटा कर दी रिब, ये 1 इंच छोटी मैंने रिब कर दी है, ठीक है। अब इसको मैंने आपको बताया कि मैंने उसको चौड़ाई चाहिए थी कितनी, 1.5। अब ये क्यों ली है, याद रखें रिब कफ में लगे, यानी रिब जो है कफ में लगे या गले में लगे या पोंचे में लगे ट्राउजर के, या बेल्ट में लगे यानी ट्राउजर की बेल्ट में लगे, या हेम में लगे शर्ट की हेम में लगे, तो वो फोल्ड होके लगती है। अब 3 का अगर हम फोल्ड करेंगे, इधर मैं साथ में लिख दूंगा फोल्ड, ठीक है। अब जो काटेगा उसको पता होगा कि मैंने 3 सेंटीमीटर चौड़ी काट रहा हूँ रिब, लेकिन ये फोल्ड होके लगनी है। तो जब इसके फोल्ड होगा तो कितना आएगा, जब आधा इसका करेंगे तो ये 1.52 आ जाएगा। तो ये 1.5 आ जाएगा हाफ। तो ये जब फोल्ड हो जाएगी तो चौड़ाई जो रिब की है हमारे पास, जो उसने मांगी हुई है टोटल 1.5 की चौड़ी मांगी हुई है, तो ये डबल होके लगती है यानी फोल्ड होके लगती है, तो ये हमारे पास मुकम्मल आ जाएगी। तो हमने ये पूरी की पूरी रिब उसको बना दी, ये हमने उसको बना दी। लेकिन याद रखिएगा हम हाफ पीस पे काम कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा इधर यहाँ तो लिख दूंगा इस जगह पर डबल, ठीक है, पीस जगह पर मैं लिख दूंगा डबल, केस को डबल करना है। या फिर मैं क्या करूंगा इसको भी मिरर कर दूंगा यू, ठीक है। जब ये पीस कटिंग पे जाएगा, पैटर्न कटिंग पे जाएगा, तो ये पूरे का पूरा पीस आएगा हाफ, ये वाला हाफ हमने मेजर किया था, ये हाफ और ये हाफ मेजर किया था, लेकिन रिब यहाँ भी तो आनी है आधे हाफ पे, तो आधा हाफ ये कवर करेगा, ठीक है। तो हमारी ये मेजरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, फोर्ड है साथ, यानी ये पूरी पूरी पैटर्न कटा होगा और वो उसको फोल्ड करके इसके ऊपर चढ़ा लेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रख बनाते हुए। अब इसका भी हमें दबाव चाहिए क्योंकि इसने आपस में जुड़ना है, इसका बेसिक सेम हम रख देंगे 1 सेंटीमीटर, टोटली ये 1 सेंटीमीटर इधर के दबाव है, ठीक है। तो
तो ये जब फोल्ड होगा तो सेंटी ये दबाओ, सेंटी ये इकट्ठा होगा, और इकट्ठा इसके ऊपर सेंटी, सेंटी यहां से दबाओ जाएगा तो ये इकट्ठा चढ़ जाएगा। अब हमारे पास शर्ट में जो चीजें थी, स्लीव, बैक, फ्रंट और नेक रिब, ये सारी मुकम्मल। उसके बाद इसके इर्द गिर्द हमें जो सीम था वो भी मुकम्मल। तो हमारी ये फाइल मुकम्मल हो चुकी है। समझाने में इतना वक्त लगता है, लेकिन ये बनाने में टी शर्ट जो है मैक्सिमम, इस तरह का अगर साइज चार्ट आए, यानी डिटेल साइज चार्ट आए, और बीच में जिस तरह ये पैनल की भी डिटेल है, तो मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। अगर पैनल भी है बीच में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपके सामने ही है, बस समझाने में, आपको बताने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इसकी प्रैक्टिस करें आप, तो ये साइज चार्ट की भी मैं आपको भेज देता हूँ, तो इसके मुताबिक आप चीज़ों को सेट करें। तो अगर आप इसको बना सकते हैं तो बनाएं। तो इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, किसी किस्म चीज़ की समझ ना आई हो, किसी कोई चीज़ मिसिंग हो गई हो, या मेरे बताने में कोई फ़र्क आ रहा हो, तो आपने मुझे बता देना कि यहाँ हमें नहीं समझ आई, यहाँ इस जगह से आप मिसिंग कर गए, या कोई चीज़ नहीं समझ आई, वो आप मुझसे पूछ लें। तो उस सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे, तो फिर हम लाइव सेशन ये करेंगे, उसके अंदर फिर दोबारा इस शर्ट को देखेंगे, इस फाइल को देखेंगे, और इसके ऊपर वर्किंग दोबारा करेंगे एक दफ़ा, ताकि आपका एक दफ़ा रिपीट भी हो जाए, और आपको अच्छी तरीके से ये याद दहानी हो जाए कि ये चीज़ कैसे और कौन कौन से टूल कैसे इस्तेमाल होते हैं। अभी और चीज़ें भी आएंगी, उसमें बहुत से और टूल भी इस्तेमाल होंगे, तो बेसिक टूल यही इस्तेमाल होंगे। ओ का मतलब के ऊपर, यानी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट देना है, और कितनी, किस मेजरमेंट पे देना है, ताकि हमें पता हो। जैसे कि हमने इस, ये लाइन यहाँ हमारे पास स्ट्रेट थी, तो हमने निशान दिया था कि शोल्डर कितना चौड़ा होगा, तो ये शोल्डर हमारा चौड़ा हो के टोटल 44 है, हमें 44 चाहिए था, याद है ना आपको इस वीडियो में। तो उस तरह पॉइंट्स देते जाते हैं और उस तरह शेप को कवर करते जाते हैं। तो ये हमारे पास बेहतरीन गोल गले वाली टी शर्ट तैयार है, और ये बहुत परफेक्ट साइज़ है। अगर ये आप बनाना चाहें अपने लिए भी, तो किसी को ये पैटर्न दे के आप बनाएं, तो बड़ी परफेक्ट फिटिंग आएगी, ये बहुत अच्छा साइज चार्ट है। तो बिस्मिल्लाह करें इसे, और टी शर्ट लोगों को बना के देना शुरू करें। लेकिन कोई मुश्किल आए तो कोई मुश्किल नहीं, हो जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ये काफ़ी वीडियो लंबी होगी, और ये वीडियो काफ़ी काफ़ी लंबी हुआ करेंगे, ताकि डिटेल में समझा करें, और इसको बड़े इजी हो के आपने सुकून से फ्रेश माइंड पे घंटा, 1.5 घंटे, 2 घंटे की कोई भी वीडियो उसको देखें, ताकि प्रॉपर समझ आ जाए। और इसके बाद अभी तो कुछ चीज़ें बीच बीच में समझा रहा हूँ, जैसे कंटूर हो गया या दूसरी चीज़ी चीज़ें, तो अगली वीडियो थोड़ी शॉर्ट्स होती जाएंगी, जैसे कि सीम अलाउंस। अभी 4-5 वीडियो में बार बार आपको समझाऊंगा कि किधर किधर क्या क्या दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं, वो बार बार समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए कि जब पीस बनाने तो आखिर में हमने सीम भी देनी है। पहले हमने साइज पूरा करना है, उसके बाद हमने दबाव देने हैं, सीम देने हैं, मार्जिन देने हैं, ठीक है। एक ही चीज़ का नाम है, किस किस जगह पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो वो हम करते जाएंगे। लेकिन आगे की वीडियो फिर ये चीज़ें समझाने वाली नहीं होंगी, ये हर दफ़ा करनी होंगी, तो वो चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। तो आगे के चल के इंशाल्लाह और चीज़ें भी मुकम्मल होंगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।